गोरखपुर अखाड़े की महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी बाबा द्वारा चारों धाम की यात्रा कर गोरखपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गोलघर चेतना तिराहे पर किन्नर समाज तथा नागरिकों ने ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया तथा मिष्ठान का वितरण भी किया। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी बाबा ने किन्नर समाज को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी व किन्नर समाज से जुड़े सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसके बाद महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी बाबा ने चारों धाम की यात्रा किया और सोमवार की सुबह गोलघर चेतना तिराहे पर पहुंची, जहां पर महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी बाबा का किन्नर समाज के लोग तथा नागरिकों ने स्वागत किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी बाबा ने कहा, खिला रही थी, मैं सबको खिला दूँ इन लोग को, भाई बाप लोग को, मेरे बच्चों को, जजमाने इनकी कलम चमके, इनकी तंदुरुस्ती दे, इनकी मनोकामना पूरी होवे, जहाँ ये जाए अपने चैनल लेके, चैनल का खूब नाम हमारे गोरखपुर का खूब नाम हो, हर हर महादेव। युवा देश का हमारा पेट भरते हैं, जानते जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मैं किरण नंदगिरी आचार्य महामंडलेश्वर से किन्नर अखाड़ा से जुड़ी हूँ और आज मैं ये गोरखपुर में पूरा धाम करके आज मैं आई हूँ। हमारा सब स्वागत भी हमारे वह दर्पण से भी, और हमारे जितने हमारे सब बंधु, हमारे भाई बहन माँ बाप सब आप ही लोग हैं, हमारा तो कोई नहीं है। किन्नर तो अपने भगवान ने जो बना देते हैं हम लोगों को, आज हम आए, हमें इतना प्यार मिला है और मैं चाहती हूँ जजमान हमें इतने ऐसे प्यार दें तो हम किन्नर ऐसे रहेंगे। हम सनातन धर्म से हैं और सत्य धर्म हमारा जो है, किन्नर इधर उधर बैठ चुके हैं और जो आ रहे हैं चले आ रहे हैं, हमें इसकी बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें इतना सपोर्ट करें और हम चाहते हैं हमारे जजमान हमें सपोर्ट करें और हमारे हर एक चीज़ के लिए हमें भी एक स्थापित करें, हम किन्नरों के लिए हर एक चीज़ के लिए। जय श्री महाकाल।